दोस्तों, येस बैंक में कल के सेशन में कमाल कर दिया है। आपको तो पता ही होगा इसमें 17% की तेजी हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों, स्टॉक जब गिर रहा था पिछले 4-5 दिन पहले, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाया था और आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, फिर इसी लेवल से आपको बहुत ही बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। और उसी वीडियो पर भी दोस्तों बहुत लोग देखे थे और उसी के साथ कुछ कमेंट भी किए थे जो कि स्टॉक सड़ी हुई बैंक है। और ऐसे में दोस्तों, इन्वेस्टर का कमेंट करना जायज़ है क्योंकि ऐसे भी ये स्टॉक पिछले कई दिनों से एक ही रेंज के अंदर घूमता रहता है और उनके इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर चुका है। तो इसीलिए जाहिर है कि इन्वेस्टर का गुस्सा स्टॉक के ऊपर आ रहा है और ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों, हमेशा ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे स्टॉक के लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है 15 के लेवल के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक कितने बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है। बार बार स्टॉक इसी रेंज के आसपास आते ही फिर से रिवर्सल दिखाता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। इसीलिए स्टॉक के अंदर लगातार इसी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों, जब कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर बार बार कोई भी चीज़ें टकराता है तो फिर वो रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे कि दोस्तों, इसी रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद स्टॉक का जो रैली होगा फिर से 20 की प्राइस रेंज तक होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो कल के सेशन में अगर देखोगे इसमें बहुत ही बड़ा कैंडल बना हुआ है। यहाँ पर पिछले दिनों में जो कैंडल था सारे के सारे कैंडल को निकल चुका है, जो कि यहाँ पर तो आज के सेशन में इसमें और तेजी होने का चांसेस है क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अगर देखोगे 3 करोड़ के ऊपर यहाँ पर बाइंग क्वांटिटी में लगी हुई है 14.70 की प्राइस में। यानी कि दोस्तों, आज के सेशन में भी स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा रैली होने का चांसेस है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है स्टॉक के अंदर और भी थोड़ा गिरावट हो सके, फिर स्टॉक के अंदर रैली देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, अभी के लिए स्टॉक के अंदर जो अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे हैं और बैंक अपने फंडामेंटल को बहुत ही अच्छा सुधार चुका है और इसी साल का जो रिजल्ट रहने वाला है और ये जो फाइनेंशियल ईयर है बैंक के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि बैंक यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो चुका है। और ऐसे में इनका जो प्राइस है उसी लेवल तक अटका हुआ था। आगे दोस्तों, स्टॉक के अंदर बहुत ही बड़ा रैली देखने को मिल सकता है इसी साल के अंदर। पहले भी आपको दोस्तों मैं बताया था, अगर इसमें अच्छी रैली देखना है तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए, कम से कम तो इसको 5 साल देना है, फिर उसके बाद स्टॉक के अंदर आपको बहुत ही बड़ा रैली देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों आपको ऐसे ही देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी दोस्तों स्टॉक का जो मोमेंटम है इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक ओपन हुआ था 13 रुपये की प्राइस में और इसमें हाई लगा चुका था 15.20 और यहाँ पर स्टॉक ने छोटा सा लो लगाया था 12.90 और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक का मोमेंटम कितना अच्छा हो चुका है। करीबन इसमें 17% का तेजी हो चुका है एक ही दिन के अंदर। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ जो मोमेंटम आपको महीने भर में देखने को नहीं मिलेगा वो आपको एक ही दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप वॉल्यूम को देख सकते हो, कल के सेशन में कितना अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आपको यस्टरडे में 11 करोड़ और एक हफ्ते की एवरेज 23 करोड़ और एक महीने की एवरेज में 18 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिल रहा था। और कल की सेशन में इसमें आप देख सकते हो कितना अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, सीधे के सीधे 66 करोड़ का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले सेशन से जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था इसमें से लगभग 3 गुना यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। इसके चलते तो दोस्तों स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है और ऐसे भी आगे आने वाले दिनों में इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद, यहाँ पर आप डेली कैंडल के साथ देख सकते हो, इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक का जो मोमेंटम है वो आपको 20 फिर उसके बाद 25 ऐसे रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक के अंदर और थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, जो भी हो स्टॉक अभी रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा हुआ है। बीएसई पर यहाँ पर आप देख सकते हो 48% की डिलीवरी परसेंटेज है और एनएसई पर भी देख सकते हो लगभग 30% की डिलीवरी परसेंटेज है। और न्यूज़ की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो येस बैंक से जुड़ी कितना अच्छा अच्छा न्यूज आ रहा है। येस बैंक नेट एडवांसेस ऑफ 8.8% इन फाइनेंशियल ईयर 22। यानी कि दोस्तों, इस साल का जो दायरा होगा कंपनी के लिए बहुत ही अहम होगा। इसी साल में कंपनी अपने आप को बहुत ही अच्छा सुधार सकते हैं और अपने शेयर प्राइस में भी बहुत ही अच्छा जंप ला सकती है। और ऐसे में भी यहाँ पर आप देख सकते हो येस बैंक लोन बुक एक्सपांड बाय 8.8% टू रेस 1.81 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22। और ऐसे भी डिपॉजिट में भी देख सकते हो 21% की जंप आया है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ और पहले से भी कहता रहा हूँ, स्टॉक फंडामेंटली धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है और इसीलिए आपको स्टॉक का जो मोमेंटम होगा वो भी धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना चाहिए और अपने लिमिटेड अमाउंट के साथ, जितने अमाउंट के साथ आप एफोर्ड कर सकते हो और आपको साइकोलॉजिकल को ठीक रख सकते हो, उतना ही अमाउंट के साथ स्टॉक के अंदर जुड़े रहिए ताकि आप इस स्टॉक के अंदर आप लंबे टाइम दे सकें और आगे आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। चाहे दोस्तों इसमें भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको जरूरी स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।